पर जाएंगे? फिलहाल तो नहीं क्रिस्टोफर, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद थोड़ा आराम तो चाहिए, और इस बार तो हम वाकई थक गए हैं। आप कहाँ गए थे, आपने क्या देखा? हम एक द्वीप तक गए जिसका नाम था कैनेरी, और हम उस द्वीप पर एक हफ्ते से ज्यादा रुके। वाओ, तो आपने वहाँ पर क्या देखा? वहाँ की हरियाली देखी, झरने देखे, पेड़ देखे, समझे? हाँ, और चिड़िया भी, इतनी खूबसूरत तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। किस रंग की थी बताइए? नीली, लाल, हरी और पीली। पीली ऐसे जैसे कि चमकता सोना। हाँ, काश मैं भी गया होता। अच्छा, और क्या देखा? और कुछ नहीं, पेड़ और चिड़िया, झरने और गांव, कुछ छोटे द्वीप, पर कुछ खास नहीं थे। पर कैनेरी द्वीप के आगे क्या था? पागल हो क्या, कनेरी द्वीप के आगे अब तक कोई भी नहीं गया। वहाँ पहुँचना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वहाँ रुके क्यों? समुद्र तो आगे भी है ना? आगे क्यों नहीं बढ़ते गए? पूछते हो क्यों? वहाँ समुद्र के सिवा कुछ नहीं, जितना दूर जाओगे समुद्र ही समुद्र नजर आता है। अरे नहीं, सब कहते हैं पृथ्वी गोल है, जब तक धरती ना दिखे तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिर कितनी दूर, छोड़ो भी, तुम क्यों नहीं चले जाते? एक दिन जरूर जाकर ढूंढूंगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, नए नए द्वीप ढूंढेगा। हाँ हाँ, तुम जरूर जाना क्रिस्टोफर। कुछ और बताइए ना। फिर कभी किसी और दिन आना। ठीक है। वाह। हाय, सुनो, क्या तुम भी नाविक हो? तुम समुंदर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, है ना? क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, पिताजी, क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरी मदद करो। अच्छा, आता हूँ। Thank you.
गया ना। शुक्रिया डोमिनिको। तुम्हें अपने बारे में कोई सफाई देनी है? मैंने कपड़ा व्यापारी तक पहुंचा दिया था। हाँ, पर तुम आधे रास्ते में ही रुक गए थे। सुनो डोमिनिको, बस करो, उसे पछतावा है। तुम उससे और क्या चाहते हो? हाँ मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा बेटा आदर्श इंसान बने। एक कुशल कारीगर बनने के बजाय ये सिर्फ समुद्र के बारे में ही सोचता है। मेरी बात सुनो क्रिस्टोफर, तुम एक अच्छे जुलाहे के बेटे हो। तुम बड़े होकर जुलाहा बनना चाहते हो या नहीं? क्रिस्टोफर, चलो स्कूल के लिए देरी हो रही है। स्कूल? काम न करने का एक और बहाना। आज स्कूल में हम कपड़े के बारे में सीखने वाले हैं। अरे जाने भी दो इन्हें। ठीक है, चले जाओ, पर पढ़ाई में ध्यान लगाना। अच्छा माँ, अच्छा पिताजी, बाद में मिलते हैं। इसने बात न मानना कहाँ से सीखा है? शायद तुमसे ही। रुको मेरे लिए। शुक्रिया परसो, मजा आ गया। रुको भी। नहीं नहीं, वो दे दो भैया। क्रिस्टोफर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? अरे मैं बंदरगाह की ओर जा रहा हूँ। तुम क्या समझे मैं स्कूल जाऊँगा? और क्या, क्या तुम सारा जीवन जुलाहा बनकर एक बंद कमरे में गुजार दोगे? बिल्कुल, यही करना पड़ेगा। और तुम क्या करोगे? मैं नाविक बनूंगा। समुद्री यात्रा करूंगा। जियोवानी के जहाज में मैं नाविक बनूंगा। देखो, तुमने मेरा सामान जल्दी लाने का वादा किया था, मेरा कितना नुकसान हुआ है जानते हो? क्या समझ सकते हो इतनी देरी से सामान लाने का मतलब क्या है? फिर समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे तुम लोग? सो रहे थे? अरे कितना पैसा बर्बाद हुआ है। अरे वाह, ये तो क्रिस्टोफर है। जियोवानी, मुझे लगा आप कल आओगे। जितनी जल्दी हम आएंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। एक काम करो, तुम ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ। शुक्रिया। इस बार आप क्या लाए हैं? बढ़िया इत्र, ढेर सारे मोती, मसाले, रेशम, कियोस्क का बेशकीमती सामान। आहा, मोती, मसाले, ये सब सामान एशिया से लाए हैं ना? ठीक कहा क्रिस्टोफर, भारत और चीन से कियोस्क ही एशिया जाने का मुख्य द्वार है। पर कियोस्क से क्यों? अगर एशिया जाना है तो सीधे क्यों नहीं जा सकते? सीधे ही? वाह, क्या सुझाव दिया है। पहली बात कि वो बहुत दूर है, हमें रेगिस्तान और पहाड़ पार करने होंगे, और विदेशियों को रोका भी जा सकता है। पर जियोवानी, समुद्र के रास्ते से जाए तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका रास्ता रोक सके। पर रास्ता कोई नहीं जानता। पर किसी को तो इसे खोजना होगा। तुम क्यों नहीं ढूंढते? ये तुम्हारा भाई है? हाँ। मैं अभी आया। रुको। सब ठीक है? बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ये रस्ते लो। मुझे लगता है आज फिर से डांट पड़ेगी। शायद। क्रिस्टोफर, क्या तुम वाकई नाविक बनना चाहते हो? हाँ। हमें एक और आदमी चाहिए, तो अगर तुम हाँ कह दो तो हम। मैं तैयार हूँ। पर क्रिस्टोफर, सुनो, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। क्यों नहीं, मैं ले लूंगा। तो फिर ठीक है, अगर वो मान गए तो तुम आ जाना, हम दो दिन बाद फिर जाएंगे। मैं जाऊंगा। हे हे, मेरा इंतजार करना।
बिल्कुल नहीं। पर मैं नाविक बनना चाहता हूँ। जेनोवा एक बंदरगाह है और आपको तो पता है सबसे मशहूर नाविक यहीं पर पैदा हुए थे। जेनोवा को उन सब पर गर्व है। मैं भी उनकी तरह। तुम नाविकों के परिवार से नहीं हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। जियोवानी ने मुझे जहाज पर आने की इजाजत दी है और वो पैसे भी नहीं लेंगे। मेरी उम्र के बहुत से लड़के हैं वहाँ पर। कोलंबस का मतलब है गर्व। तुम्हें जेनोवा का मशहूर जुलाहा बनना है। नहीं। क्या कहा तुमने? जरा सुनो तो, आप क्रिस्टोफर की बात मान क्यों नहीं लेते? अगर वो अपने पिता की तरह जुलाहा नहीं बनना चाहता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खानदान का नाम डुबो देगा। तुम्हारी वजह से ही इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। मैं चाहता हूँ ये अपना खानदानी काम अच्छी तरह से करे। एक बात तुम ध्यान से सुन लो कोलंबस, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम इस कोलंबस परिवार के नहीं रहोगे। सुनो, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। बड़े ही मीठे हैं, ताजे हैं। क्रिस्टोफर, तुम्हारी मदद करो। नहीं, इससे मेरी ताकत बढ़ेगी। तुम अब भी नाविक बनोगे क्या? चुप भी रहो, तुम हमेशा डांटते क्यों रहते हो? अरे 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 अरे, तुम तो सिर्फ एक जुलाहे के बेटे हो और कुछ नहीं। आज जा रहे हो? और इस बार तो हम एजेंसी जा रहे हैं, पर तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। रेश, क्या कौन था वो? तुम अपना काम करो। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम कोलंबस परिवार के नहीं रहोगे। क्रिस्टोफर, तुम्हारे पिताजी को चोट लग गई। हटो रास्ते से। मैं आ गया हूँ पिताजी। तुमने कपड़ा पहुंचा दिया? हाँ, पर आपको क्या हुआ? पार्टी की राजनीति की वजह से ही ये सब हुआ। बुरा हुआ डोमेनिको, लगता है फर्गोसो पार्टी अब खत्म हुई। अब कहीं और ही जाना बेहतर है। चलो मोंटेरियो। तुम जा रहे हो? जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। माफ करना। गुड लक। ये सब अडोनो पार्टी के लोगों ने किया है ना? नहीं, रुक जाओ, उन्हें दे दो। अब मैं नहीं रुक सकता। नहीं, कहा ना दे दो, मैं नहीं रुक सकता। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं क्रिस्टोफर। क्या मतलब? मैं अपने परिवार की ओर से लड़ूंगा। डोमेनिको, जानते हो क्या कह रहे हो? आपको क्या लगता है? हमारी पार्टी अब खत्म हो गई है। मुझे ये मान लेना चाहिए, सभी लोग जेनोवा से जा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी जीत जाती तो बात कुछ और ही होती। Thank you.
ठीक नहीं हुआ। देखो हवा का रुख अच्छा है, हमें सफर शुरू कर देना चाहिए। लगता है क्रिस्टोफर नहीं आ पाएगा। इस तरह से सामान ही लाता जाता, इसे ढलान की ओर रखोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, मुझे वो पता है, मैं बस भूल गया था। पकड़ो। पता है तुम्हारी माँ कहती है तुम मेरे जैसे हो, बिल्कुल आईने का दूसरा रूप। इसलिए बीमारी से उठकर यहाँ आया तुम्हें देखने। मैं तुम्हारी जगह होता तो भाग गया होता। सच? मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, माँ बाप भी नहीं। तुम्हारे जैसा जिद्दी हूँ। अच्छा पिताजी, मैं जा सकता हूँ? शुक्रिया पिताजी, शुक्रिया। पर मैंने अभी हाथ तो कहीं नहीं। पर मुझे पता है तुम रुकोगे नहीं, इसी से लगता है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम जल्दी करो, जहाज रुकेगा नहीं। शुक्रिया पिताजी। शफा, ये लो। परमेश्वर, मेरे माँ बाप और भाई का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। आमीन। अब जल्दी जाना होगा, मुझे आशीर्वाद देना। फिर कभी सही। रुको मेरे लिए। आओ क्रिस्टोफर, जल्दी करो। पर मैं कैसे आऊं? पानी में कूद जाओ क्रिस्टोफर, तैर कर आओ। रस्सी की सीढ़ी फेंको। Oh, no!
आ जाओ क्रिस्टोफर, तुम ठीक वक्त पर आए। बहुत अच्छे क्रिस्टोफर, आ जाओ। शुक्रिया जियोवानी। तुम तो बड़े बहादुर हो क्रिस्टोफर। हमें खुशी है कि तुम आ गए। तुम जैसे बहादुर और मेहनती लड़के की हमें जरूरत है। क्रिस्टोफर अपना ध्यान रखना। जरूर, आप लोग भी। पिताजी, इजाजत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय बाय। ये लो क्रिस्टोफर, इसे रख लो। शुक्रिया जियोवानी, पर ये तो आपका मनपसंद चाकू है। पर अब ये तुम्हारा है क्रिस्टोफर। मुझे भी ये तब मिला था जब मैं छोटा था, और अब तुम्हें इससे इतिहास बनाना है। इससे इतिहास बनाना होगा? हाँ। मैं जीवन भर इसे संभाल कर रखूंगा। जाओ। अच्छा है, चलो लहरों पर आगे बढ़ो।